22 मार्च को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर मनसा देवी में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। भक्तों के लिए कोई परेशानी ना हो, इसके लिए माता मनसा देवी साइन बोर्ड ने भक्तों के लिए पूरी तरह से तैयारियां यह की हुई हैं। भक्तों के लिए पानी का इंतजाम हो, डॉक्टरों का इंतजाम हो, बसों का इंतजाम हो और सुरक्षा का इंतजाम हो, यह तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मंदिरों को लाइटों से सजा दिया गया है। रात को यह लाइट इस तरह से जगमगा रही है कि श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। पूरा वातावरण माता की भक्ति में जय माता के नारों से गूंज रहा है। भक्त अभी से ही लंबी लंबी कतारों में आना शुरू हो गए हैं और जय माता के घोष से पूरा वातावरण भक्ति में हो गया है। चंडीगढ़ के आसपास के ऐतिहासिक मंदिरों का इतिहास इस बार लेकर आया है माता मनसा देवी का इतिहास। कितना पुराना है यह मंदिर और किसने बनवाया था? माता मनसा देवी का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि अन्य सिद्ध शक्ति पीठों का। माता मनसा देवी के सिद्ध शक्ति पीठ पर बने मंदिर का निर्माण मनी माजरा के राजा गोपाल सिंह ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर आज से लगभग पौने 200 साल पहले 4 साल में अपनी देखरेख में सन 1815 में पूर्ण करवाया था। मुख्य मंदिर में माता की मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के आगे 3 पिंडियां हैं जिन्हें माँ का रूप ही माना जाता है। यह तीनों पिंडियां महालक्ष्मी, मनसा देवी तथा सरस्वती देवी के नाम से जानी जाती हैं। मंदिर की परिक्रमा पर गणेश, हनुमान, द्वारपाल, वैष्णवी देवी, भैरव की मूर्तियां एवं शिवलिंग स्थापित है। हरियाणा सरकार ने मनसा देवी परिसर को 9 सितंबर 1991 को माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड का गठन करके इसे अपने हाथ में ले लिया था। मंदिर तक आती थी 3 किलोमीटर लंबी गुफा। कहा जाता है जिस जगह पर आज माँ मनसा देवी का मंदिर है, यहाँ पर सती माता के मस्तक का आगे का हिस्सा गिरा था। मनसा देवी का मंदिर पहले माँ सती के मंदिर के नाम से जाना जाता था। मान्यता है कि मनीमाजरा के राजा गोपाल दास ने अपने किले से मंदिर तक एक गुफा बनाई हुई थी जो लगभग 3 किलोमीटर लंबी है। वह रोज इसी गुफा से माँ सती के दर्शन के लिए अपनी रानी के साथ जाते थे। जब तक राजा दर्शन नहीं करते थे तब तक मंदिर के कपाट नहीं खुलते थे।